जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मेथडोलॉजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक को लिया है। ये ऐसी टॉपिक है, चाहे आपका उर्दू मेथडोलॉजी हो या इंग्लिश हो, इसी के साथ आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें भी ब्लूम्स की टेक्सनोमी दाखिल है। तो एक ही साथ में आपका तीन सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा और इससे 7-8 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप उर्दू मेथडोलॉजी में भी बाकायदा ये सिलेबस आपका आपके सिलेबस में दिया गया है। देखिए, ब्लूम के तदरीसी मकासिद की ज़ुमरा बंदी, ब्लूम यानी बी एस ब्लूम की जो उनकी टेक्सनोमी है उसकी ज़ुमरा बंदी क्या है। क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ब्लूम्स की टेक्सनोमी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक की जानिब। ये आपको पता है, जो स्लाइड दिख रही है निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इस पर क्लिक करके जुड़ जाएं। इसी के साथ आप चैनल का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप लाइक भी करें, कमेंट, कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ब्लूम्स की टेक्सनोमी से किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, क्या क्या हमें जानना ज़रूरी है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और ट्रिक के साथ सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद ब्लूम्स टेक्सनोमी की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आखिर तक बने रहिएगा, क्लास थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि ब्लूम्स की टेक्सनोमी ही थोड़ा लंबी है। पहली चीज़, पहला सवाल ये बनता है कि ब्लूम्स की टेक्सनोमी को क्या कहते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी तदरीसी मकासिद कहते हैं, पहला सवाल ये बनता है। दूसरा, बी एस ब्लूम कहाँ के थे। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलते हैं आगे। टेक्सनोमी, टेक्सनोमी को क्या कहते हैं। क्लासिफिकेशन, उर्दू में दर्जाबंदी या ज़ुमराबंदी, जैसा कि ज़ुमराबंदी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी या आपकी ज़ुमराबंदी। ठीक है, ज़ुमराबंदी। आगे ये चीज़ आपसे अगर पूछा जाएगा कि ब्लूम्स की टेक्सनोमी कब आई। ब्लूम्स की टेक्सनोमी 1956 में आई। ठीक है, देखिए, पहले तालीम का कोई मकसद मुतय्यन नहीं था। अभी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसका कोई अगर ऑब्जेक्टिव आप सेट ना करें तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप रास्ते ही में भटक जाएंगे। अब यहाँ जब तालीम का मसला आया तो बात ये छिड़ी कि बच्चों का किन किन लेवल पर डेवलपमेंट यानी नशोनुमा किया जाना चाहिए। तो बी एस ब्लूम ने क्लासिफिकेशन करके तीन डोमेन यानी तीन मैदान को, तीन इलाका को डिसाइड किया है, उसको हम आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1956 के बाद 2001 में इनकी टेक्सनोमी को रिवाइज़ किया गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। कब रिवाइज़ किया गया, 2001 में। आगे है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को, ब्लूम्स की टेक्सनोमी को लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, यानी आमोजिशी मकासिद। लर्निंग मतलब आमोजिशी होता, आपको पता है, आमोजिशी मकासिद इसको। और इसको एक नाम और जान एक नाम से और जानते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी देखिए, जैसे कोई ज़ुबान है उसके बहुत सारे कोई ज़ुबान है उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई सिलेबस है उसके एक जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि बच्चा पढ़ने के बाद, जैसे ओवरऑल क्लास 8th का बच्चा है तो एक जनरल ऑब्जेक्टिव है जो करिकुलम बनता है कि पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएगा कि इन किन चीज़ों को समझ सकेगा। लेकिन जैसे मैं आपको ब्लूम्स की टेक्सनोमी पढ़ा रहा हूँ
तो मैंने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है कि आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद ब्लूम्स की टेक्सनोमी क्या है, किन किन डोमेन की उन्होंने बात की है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सारी चीज़ें आप हासिल कर लेंगे। यही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक यानी खसूसी मकासद, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ब्लूम्स की टेक्सनोमी उन्होंने दर्जा बंदी की है कितनी, तीन, ठीक है। पहला क्या है, कॉग्नेटिव डोमेन। कॉग्नेटिव को उर्दू में क्या कहेंगे, उकूफी इलाका, जिसका ताल्लुक किससे है, आपके दिमाग यानी जहन से है। दूसरा क्या है, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव को जज्बाती भी कहते हैं, तासुराती भी कहते हैं। तासुराती या जज्बाती इलाका, जिसका ताल्लुक इंसानी जज्बात यानी फीलिंग एहसासात से है। तीसरा है नफ्सियाती या हिस्सी व हरकी इलाका, जिसको कहते हैं साइकोमोटर। देखिए ये जो है साइकोमोटर डोमेन का पहला नाम, पहले इसका नाम क्या था, कोनेटिव डोमेन के नाम से भी, अगर आप इंग्लिश पेडागोजी या इंग्लिश आपका जो मेथडोलॉजी है, इसी के साथ SST की जो मेथडोलॉजी है उसमें अगर पूछा जा सकता है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो कोनेटिव डोमेन के नाम से भी जानते हैं। किससे, कोनेटिव, याद रखिएगा, कोनेटिव मतलब होता है इदराकी, जिसका ताल्लुक हिस्से होता है। पता है हमारे हवासे खमसे ज़ाहिरा कितने हैं, पांच हैं, जिनका इदराक उससे होता है तो उसको क्या कहते हैं, इदराकी। नफ्सियाती या हिस्सी, जिसको साइकोमोटर, साइको साइकोलॉजी से बना है, मोटर जो आपके दो मोटर होते हैं, एक फाइन मोटर एक ग्रास मोटर, सब आगे डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं, बस आप लोग बने रहिएगा। इसमें से सवाल ये पूछा जाता है इनके डोमेन कितने हैं, तो तीन हैं, वकूफ़ी, जज्बाती, नफ्सियाती, हराकी, नफ्सियाती कहेंगे या हिस्सी व हराकी, ठीक है। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो कॉग्नेटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, ठीक है। साइकोमोटर को पहले कोनेटिव भी कहते थे। इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। कैप CAP, जब आप निमोनिक से कोई चीज़ याद रखते हैं तो बहुत दिनों तक आपके जहन में बात, कैप, आप टोपी लगाते हैं कैप, ठीक है। तो सी से आप क्या मान लीजिएगा, कोग्नेटिव, ठीक है, और ए से क्या मान लीजिएगा, अफेक्टिव, और पी से क्या मानिएगा, साइकोमोटर, ठीक है। ट्रिक अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक मरतबा लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक भी दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। इसको एक ट्रिक ये भी अगर आप बना सकते हैं कि जैसे गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने भी इसके डोमेन बताए थे, क्या बताए थे कि एजुकेशन का मकसद क्या होता है, उन्होंने 3H का फार्मूला दिया था, किसका, 3H का, 3H का। एक H से वो कह रहे थे क्या, पहले H से हेड, क्या हेड, हेड का मतलब, हेड का मतलब सिर यानी दिमाग, मतलब उनका कहना था एजुकेशन ऐसे ही होने चाहिए, हेड। और दूसरा H से उन्होंने क्या बोला था, दूसरा था हार्ट, हार्ट का मतलब दिल, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन भी कह सकते हैं। तीसरा एच गांधी जी ने जो फार्मूला, तीसरा एच कहा था क्या, एच से हैंड, यानी हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे का दिमाग का भी, दिमागी नशोनुमा भी होनी चाहिए, यानी कॉग्नेटिव डोमेन भी यानी हेड वाला, यानी दिमाग भी उनका बढ़े, कोई चीज़ लॉजिकली सोच सकें। दूसरा हार्ट, यानी जज्बाती एतबार से भी बच्चों की नशोनुमा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि क्लास में आते ही किसी का सर फोड़ दे, किसी को गाली देने लगे, मतलब थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल आना चाहिए, इस तरह से उनका डेवलपमेंट यानी नशोनुमा करनी चाहिए, एक टीचर की जिम्मेदारी बनती। तीसरा हैंड, मतलब कहा यह जा रहा है कि बच्चा कम से कम जब प्राइमरी एजुकेशन यानी दर्जा 8 तक पास हो करके कोई हुनर लेकर निकले, मतलब यानी खुद सेल्फ डिपेंड बन जाए, 14 साल का बच्चा अगर मान लो पढ़ाई छोड़ ही देता है, 8 तक पढ़ लिया, तो कोई ऐसी स्किल सीख करके निकले कि मार्केट में भूखा ना मरे, ठीक है, उसको कोई स्किल मिल जाए और वो खुद अपना पेट पाल सके, ठीक है। ये गांधी जी उस टाइम इस बात पे जोर दे रहे थे।
ठीक है। अब इसी से कैप से भी याद रखते हैं, रख सकते हैं, गांधी जी ने 3H का फार्मूला दिया था, इससे रिलेटेड है, इससे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों तीसरे है कि ऐसे याद रखिएगा कि मेरा दिमाग, ठीक है, मेरे दिल के हाथ में है। तीनों, दिमाग का मतलब कॉग्निटिव, दिल किससे ताल्लुक़ रखता है, अफेक्टिव से, और हाथ किससे, यानी मोटर, साइको मोटर। तो इसको मत भूलिएगा, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा सवाल इससे आते हैं। आगे चलिए, अब हम कॉग्निटिव डोमेन जिसको कहते हैं उकूफ़ी मैदान या उकूफ़ी इलाका, ये इलाका यहाँ होना चाहिए था, खिसक के इधर भाग गया, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, इसका ताल्लुक किससे है, ये ब्रेन रिलेटेड है। कॉग्निटिव किससे मुतालिक है, ये दिमाग से मुतालिक है। ए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल मतलब तर्ज अमल वाला मकासिद, यानी बच्चे का नज़रियाती किरदार क्या है, रवैयाती किरदार, यानी उसका सुलूक, बिहेवियर मतलब उसका सुलूक, उसका बर्ताव, इससे भी मुतालिक है क्या, कॉग्निटिव डोमेन। तीसरा यानी तर्ज अमल कैसा उसका बनता है, यानी किस तरह से सोचता समझता है, ये अंधविश्वास तो नहीं करता, कोई कुछ कह दे मान लिया, ऐसा नहीं, बल्कि लॉजिकली सोच सके, ठीक है। आगे है रीजनिंग थिंकिंग, रीजनिंग मतलब मंतिकाना तौर पे कोई भी सोच वो मंतिकाना रख सकते हैं, मंतिकी सोच, मंतिकी एक लफ्ज़ होता है जिसको रीजनिंग कहते हैं, कोई भी चीज़ लॉजिकली सोचना जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी उसकी ज़िंदगी में कोई अगर परेशानी लाहिक हो जाए तो उसको खुद हल करने की सलाहियत रखता हो, ठीक है। और दूसरे एक ही, इसको किसने दिया है, कॉग्निटिव डोमेन से कौन मुतालिक हैं, बीएस ब्लूम, याद रखिएगा कॉग्निटिव डोमेन से कौन मुतालिक हैं, बीएस ब्लूम, ठीक है। आगे चलिए, अब बीएस ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डोमेन दिया है, शुरू शुरू में उन्होंने उसके 6 पार्ट दिए थे, 6 तरह के, यानी बच्चा किस तरह से उसको सिखाया जाता है, किस तरह से सीखता है, इसको समझ लीजिए बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। अगर आप लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं तो ब्लूम्स की टेक्सनोमी जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे इस पर पूरी बुक लिखी हुई है, लेकिन आप एक छोटी सी वीडियो में सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। पहला इन्होंने कहा है नॉलेज, नॉलेज मतलब मालूमात उर्दू में कहेंगे। दूसरा इन्होंने कहा है अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम तफहीम कहते हैं। तीसरा क्या है इतलाक़, जिसको हम कहेंगे अप्लीकेशन। तीसरा, चौथा क्या है एनालाइज, एनालाइज यानी तजिया करना, विश्लेषण करना हिंदी में कहते हैं। आगे क्या है सिंथेसिस यानी तरकीब, कोई चीज़ जोड़ना, ठीक है, तरकीब में देना। आगे क्या है इवेलुएशन, जिसको हम कहते हैं ताज्जुन कद्र, या कहते हैं कद्र पैमाई, या अंदाज़े कद्र, या कहीं कहीं तशखीस, कहीं कहीं जांच, सब सिनोनिम्स है, ठीक है। तो आखिर में है इवेलुएशन, एक 1956 में इन्होंने इसको दिया था, फिर क्या हुआ 2001 में रिवाइज हो गया। रिवीजन क्या हुआ उसको भी देखिए अगले स्लाइड में, ठीक है, आप समझ जाएंगे। हम नीचे से चलते हैं हायरार्की सिस्टम से। पहले इन्होंने नॉलेज दिया था 2001 में, नॉलेज को क्या कर दिया रिमेंबर, रिमेंबर मतलब क्या होता, कोई चीज़ याद कर लेना। कॉम्प्रिहेंसिव जिसको तफहीम यानी कोई चीज़ समझना, इसको बाद में इन्होंने क्या कह दिया अंडरस्टैंड, दोनों मिलते जुलते हैं। अप्लीकेशन इसको बाद में वर्ब बना दिया अप्लाई करना, दोनों को माना सेम है। और एनालिसिस इसको बाद में इन्होंने वर्ब यानी फेल बना दिया यानी एनालाइज। आगे है सिंथेसिस, सिंथेसिस को 2001 में इन्होंने हटा दिया, अब ऊपर वाला इवेलुएशन को पहले ले आए, और सबसे आखिर में क्या क्रिएट, क्रिएट मतलब कोई चीज़ तख्लीक करना, ईजाद करना। तो सबसे टॉप की सलाहियत क्या बच्चे के अंदर होती है, क्रिएट, क्रिएट मतलब कोई किसी का कोई इस्तेमाल था उसका नया इस्तेमाल पैदा करना, क्रिएट कोई नई चीज़ तख्लीक कर देना। जैसे अब कोई भी चीज़ है, जैसे मैं मिसाल लेता हूँ, जैसे एक पेन है, ठीक है, अब बच्चे से कहा जाए पेन का काम क्या है, लिखना। अब क्रिएटिव माइंड अगर वो कह सकता है पेन से हम क्या कर सकते हैं, अब कोई लेडीज़ कहे इसको हम बाल में लगा सकते हैं, या अगर कोई मजाकी अंदाज में कहे तो हम इसका अपने जो है कमरबंद भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है
मेन मेन इसका क्या था, कलम का लिखना था, लेकिन अगर लीक से हटके कोई नई चीज़ बना दे तो क्या हो जाता है, वही चीज़ क्रिएटिव। क्रिएटिव सबसे ऊपर लेवल पे जाता है 2001 में। ठीक है, आगे चलिए। अब हम हर एक को डिटेल से समझते हैं। पहला क्या है, मालूमात यानी नॉलेज। नॉलेज क्या है, हम इसको समझेंगे ना, जो उन्होंने टर्म दिया है इसका मतलब क्या होता है। जैसे नॉलेज का मतलब आपको बता दिया गया कि पेन, पेन मतलब कलम, आपको नॉलेज हो गई। एक हुआ पोएम, पोएम जैसे आपको रटा दी जाती है पोएम ना, बचपन में क्या है बच्चों को पोएम रटा दी जाती थी, जैसे इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, अब बाबा ब्लैक शिप, या छोटे में बच्चों को यानी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये सब रटा दिए जाते हैं। लेकिन बच्चा क्या है, मालूम मात हासिल कर लेता है, रट लेता है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाता। ठीक है, तो यही नॉलेज, जिसको रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब क्या, याद कर लेना। जैसे हम लोग पहले बचपन में पहाड़ा याद करते थे, ठीक है, अब तो तरीका बदल गया। हम लोगों ने पढ़ा दो को दो, दो दूनी चार, दो तियाँ छः, दो चौक आठ, दो पंचे दस, इस तरह से पढ़ा था। ठीक है, ये क्या था, पहाड़ा रट लेते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, क्योंकि दर्जा एक का बच्चा सिर्फ रटने की सलाहियत रखता है। तो ये सब क्या है, ये नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग में आता है। समझ गए, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में क्या है, किसी चीज़ की जनरली मालूमात, किसी चीज़ को रट लेना बगैर समझे हुए। आगे क्या है, नॉलेज में और क्या होता है, अब हम उर्दू मेथडोलॉजी को भी देखेंगे जिससे आपके सवालात बनते हैं। नॉलेज में क्या है, हरूफ अल्फाज की शनाख्त, जैसे हरूफ को बच्चा पहचान सके, अल्फाज को पहचान सके कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सही तलफ्फुज अदा कर सके, किसमें, ये सब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों आप रखिएगा साथ में। ठीक है, सही तलफ्फुज यानी प्रोनंसिएशन सही हो, सही हिज्जे अदा कर सके। ठीक है, तलफ्फुज और इमला के साथ तस्कीर और तानीस को पहचानना यानी मुजक्कर मुअन्नस को पहचान भी सके, सही और गलत जुमला का इदराक कर सके, ये किसमें है, नॉलेज में आता है। आगे नॉलेज में और क्या आएगा, सबक को याद रख सके यानी वही अंडरस्टैंडिंग, जिसको रिमेंबर करते हैं यानी रिमेंबर कर ले यानी याद कर ले, सबक का यादा कर सके, इल्म की दोबारा शनाख्त कर सके, ज़हनी महारतों को फ़रोग दे सकेगा, किसमें, नॉलेज में। अब देखिए, नॉलेज हो या रिमेंबर हो, उसमें कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं ब्लूम्स की टेक्सनोमी में, उनकी किताब देखोगे, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है अ टेक्सनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, अ टेक्सनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, उसमें से ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों को लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, डिफाइन कर पाएगा बच्चा, डिफाइन का मतलब क्या, किसी चीज़ की तारीफ़ कर देना, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब किसी चीज़ को पहचान पाएगा, डिस्क्राइब थोड़ा सा उसकी वजाहत भी कर लेगा, रिकॉग्नाइज यानी उसको पहचान लेगा, तस्लीम कर लेगा, टेल उसके बारे में कुछ बता देगा। ठीक है, जैसे कहा जाए बच्चे पहाड़ा सुनाओ, रटेगा तो बता लेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें किससे मुतालिक हैं, नॉलेज या रिमेंबर से। आगे दूसरा देखते हैं, और कुछ चीज़ें इससे मुतालिक है, एक्सप्लेन यानी किसी चीज़ की थोड़ा तशरीह कर देगा, रिसाइट यानी बुलंद आवाज़ से उसको पढ़ देगा, मेमोराइज यानी उसको रट लेगा, इलस्ट्रेट यानी मिसाल के साथ थोड़ा सा उसकी वजाहत भी कर देगा, और कोट, कोट कहते हैं हवाला भी दे सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें किसमें हैं, नॉलेज और रिमेंबर में आएंगी। नंबर दो पे क्या था, कॉम्प्रिहेंशन, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं 2001 से। ठीक है, इसमें क्या है, तफहीम में क्या है, जैसे शुरू में आपने, आप समझ गए कि दो दो एक आदत होती है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि टू प्लस टू क्या हो जाता है, चार हो जाता है, यानी दो दो प्लस दो जोड़ करके चार बन जाता है, इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन गया तो एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब उर्दू मेथडोलॉजी में क्या चीज़ है, देखिए मिसालों से वजाहत कर सकेगा,
वजूहात बयान कर सकेगा। दर्जाबंदी, दर्जाबंदी मतलब क्लासिफिकेशन, कोई चीज़ है जो अलग अलग जगह की, समझ जाएगा, जैसे है कि ये जोड़ वाला पार्ट है, ये घटाव वाला पार्ट है, या ये जो है फला चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, ये चीज़ फला चीज़ से ताल्लुक़, उसकी अलग अलग दर्जाबंदी यानी क्लासिफाई कर लेगा, अंदाज़ा लगा सकेगा, यानी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेगा ये कितना कितना चीज़ है, कितना होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, सीखे हुए उलूम को अपनी ज़ुबान में तौज़ीह व तशरीह कर लेना, जैसे अंडर, क्योंकि हम उर्दू मेथडोलॉजी को लेकर चल रहे हैं ना, जैसे अशार की तशरीह कर लेगा, किसमें, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, यानी कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप समझ रहे हैं तो उसकी तशरीह कर लेंगे, यानी तलमीहात का इदराक, तलमीहात जो इशारे बयान किए जाते हैं, मौजू व मजामीन की तलखीस व तौज़ीह अगर आप कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग में हैं तो, लिसान व ज़ुबान के कवायद को समझने के लिए अल्फाज व मानी का मुआजना यानी एक दूसरे का तकाबुल कर सकेंगे, अस्माए व सिफत में फ़र्क, आपको जुमला दे दिया गया आप समझ जाएंगे कौन सा सिफत है, कौन सा इस्म यानी नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा ज़मान व मकान पाया जा रहा है, ठीक है, ये सब किस में होगा, कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होगा, समराइज़, इंग्लिश में भी थोड़ा सीखिए ताकि आपका इंग्लिश जो मेथडोलॉजी उसकी भी तैयारी हो जाएगी। समराइज, जाहिर सी बात है कोई चीज़ ज़्यादा लिखी उसको वन थर्ड में लिख देना, समरी बताना यानी खुलासा, और इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब किसी का तर्जमा कर देना, ठीक है, क्लासीफाई अलग अलग दर्जाबंदी कर देना, कंपेयर एक दूसरे से उसकी तुलना करना, ठीक है, मुआजना करना। आगे है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब समझ जाएगा कि ये इसकी ज़िद है, ये भी समझ जाएगा किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में। आगे है, आगे कहा जा रहा है इन्फर, इन्फर मतलब कोई चीज़ दलील के साथ भी पेश कर सकेगा, किसमें, दलील के साथ पेश कर सकेगा, कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग में। रिलेट एक दूसरे से ताल्लुक़ भी कायम कर देगा। और एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कहते हैं किसी चीज़ का खुलासा बयान करना, बहुत ज़्यादा चीज़ है उसको थोड़े अल्फाज में बयान कर देगा, यानी खुलासा। आगे है पैराफ्रेज, पैराफ्रेज कहते हैं मुख्तसर तशरीह करना, यानी मुख्तसर तशरीह कर देगा। और साइट, साइट का मतलब क्या होता, मिसाल के साथ वाज़े भी कर देना, यानी मिसाल के साथ वाज़े करना क्या कहलाता है, साइट, क्योंकि जो अल्फाज थोड़ा सा मुश्किल मैं उसको बताता चल रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ ले। नंबर तीन पे क्या आता है, अप्लाई करना, ठीक है, जैसे आपने सीख लिया कि फला अल्फाज है उसकी ज़िद है कैसी है, उसको क्या है अपने जुमलों में, आपसे कहा गया मज़मून लिखो उसमें लिख सकेंगे, उस अल्फाज का यूज़ कर सकना, वही अप्लीकेशन यानी अप्लाई करना हो जाएगा। इसमें तालिब इल्म सीखी हुई चीज़ों का अमली जामा पहनाता है, जैसे आपने सीख लिया प्लस का मतलब जोड़ होता है, इसका मतलब घटाव होता है, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है, और इसका मतलब भाग होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर आपने सीख करके इसको अप्लाई भी कर पाएंगे, ये तीसरे स्टेज में है। ब्लूम्स की टेक्सनोमी की ये तीनों जो है बेसिक महारतें हैं, ये तीनों बुनियादी महारतें हैं, ठीक है। आगे तीन क्या है, देखिए अब हम उर्दू मेथडोलॉजी के ताल्लुक से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अप्लीकेशन, अप्लाई में क्या है, हम मानी जैसे फहम व इदराक, तशरीह व तौज़ीह, ये सब कर लेगा, ठीक है। हम शक्ल जैसे कफस और कफस, दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये जो होमोफोन वाले अल्फाज हैं, और मुल्क और मिल्क, दोनों में क्या फ़र्क है इसको समझ लेगा, किसमें, अप्लाई में। मुशाबे अल्फाज, मुशाबे आवाज़ वाले अल्फाज जैसे काबिल काबिल, ठीक है, दाना दाना, दोनों के फ़र्क को समझ लेगा। ज़र्बुल मसल जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा, अब ये ना समझे कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा है, ऊँट के मुँह में ज़ीरा यानी ज़रूरत ज़्यादा थी लेकिन थोड़ी सी चीज़ मिली, ठीक है, तो ऊँट की मुँह ज़ीरा। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कहा जाता है कोई आदमी बहुत काबिल है लेकिन गांव घर में उसकी इज्जत नहीं होती,
वही कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इन सब मुहावरे को समझ लेगा किसमें, एप्लीकेशन में। जैसे दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना, इसको समझ लेगा। लकीर का फकीर होना, बिल्कुल कम नॉलेज रखना, ठीक है, ये सब समझ लेगा। आगे क्या है, तलमीह भी समझ लेगा। अशार में तलमीह आती ना, जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। इब्न मरियम का मतलब क्या, मरियम का बेटा यानी ईसा अलैहिस्सलाम। अगर उनकी हिस्ट्री नहीं समझेगा तो कैसे तलमीह समझ पाएगा। और मन्नो सलवा आपको पता था, ये जो यहूदी थे, पहले पारा में इसकी पूरी तशरीह दी गई है। ये क्या कहते थे, हम एक खाना खाते खाते आजीज आ गए, हमको मन्नो सलवा उतारिए। तो अल्लाह ताला उनके लिए मन्नो सलवा उतारता था, इसलिए कहा जाता है यहूदी सबसे ख़राब कौम गुजरी है, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम के नाक में दम कर दिया था यहूदियों ने। यदे बैजा, ठीक है, ये सब क्या है, तलमी है। मुरक्कब, जैसे पाजेब, रहम दिल, मुरक्कब अल्फाज जो कंपाउंड वाले हैं उनको समझ सकेगा, उसका माना निकाल सकेगा। पाए तख्त, बुए बुल, मुफरत जैसे पा प्लस जेब, यानी उसको अलग अलग कर सके। जैसे नहीं था कि अनुच्छेद करना, आप उसमें पढ़े होंगे संधि विच्छेद करना, हिंदी में पढ़े होंगे, वही अलग अलग करना। जैसे रहम प्लस दिल, पाए प्लस तख्त, बू प्लस गुल, इनको अलग अलग करके समझ सकेगा। फ़िक्रा, जैसे खुदा के वास्ते उनका यानी गांठ बांध लो, यानी खुदा के वास्ते जो मैं कह रहा हूँ इसको दिल में बिठा लो, यानी गांठ बांध लो। इस मुहावरे को, इस अंदाज, कहने के अंदाज को समझ सकेगा किसमें, अप्लाई में, ठीक है। आगे क्या है अप्लाई में, रुमूज व अवकाफ, जैसे वाह वाह क्या कमाल किया आपने, इन सब चीज़ों को रुमूज व अवकाफ आपने मैंने पढ़ाया है। पंक्चुएशंस, कहाँ कौन सी अलामत लगेगी, ठीक है, कहाँ कॉमा, कहाँ सेमी कॉलन, कहाँ स्टॉप, कहाँ क्वेश्चन मार्क, कहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला मार्क्स लगेगा। सनात, जैसे सनात भी समझ सकेगा, जैसे नाजुकी उनकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी जो तशबीह और इस्तियारा और किनाया और मजाज सबको समझ सकेगा। मिसरा की तख्ती कर सकेगा, यानी जो उसके वज़न है उस वज़न पर अलग अलग हिस्सों में काट सकेगा, ठीक है। तमाशाए अहले करम देखिए देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसको काट सकेगा। अप्लीकेशन, इतलाक में और क्या होगा, वो सीखे हुए इल्म का मुजाहरा कर सकेगा। मुशाहदाती हकायक के ज़रिए नतीजा अख्ज कर सकेगा। अमल और रद्द अमल के बाहमी ताल्लुकात के ज़रिए वाकफियत हासिल कर सकेगा। पेशगोई यानी पेशीन गोई जिसको हम कहते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी यानी आगे क्या होने वाला है उसको बता सकेगा। इंग्लिश में अप्लाई में क्या क्या है, सॉल्व करना, कोई परेशानी दी जाए उसको हल कर सकेगा। चेंज, उसको बदल सकेगा। रिलेट, एक दूसरे से ताल्लुक कायम कर सकेगा। कंपेयर, एक दूसरे से मुवाजना कर सकेगा। यूज़, अपने उसको उसका इस्तेमाल भी कर सकेगा, ठीक है। चलिए देखिए, लाइट चली गई है लेकिन आप लोग बने रहिएगा, सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह समझ रहे होंगे, समझेंगे भी और मेरी शक्ल आपको दिख भी रही होगी, ठीक है। आगे चलिए, स्क्रीन आपको क्लियर दिखेगी। आगे क्या है, स्केच। आजकल हैदराबाद में भी लाइट जा रही है, देखिए स्केच। स्केच का मतलब क्या होता है, स्केच का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का खाका बनाना, ठीक है। टीच, टीच का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में पढ़ा सकेगा। और आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब होता है किसी चीज़ को वाज़ह करना। और आगे क्या है, डिस्कवर, डिस्कवर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की खोज निकालना। आगे है ट्रांसफ़र, क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकेगा, ठीक है। अब देखिए तज़िया में और क्या होता है, उसमें नसरी और शेरी खूबियों और ख़ामियों का जायज़ा लेते हैं। इसमें क्या है, वाक़यात या तसव्वुरात को अलग करते हैं, उनके उनके जो है जज्बात के, उनके जो है जुज़ हैं, जुज़ियात के आपसी ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है। तज़िया के मुस्बत और मनफी दोनों पहलू होते हैं, आपको पता है दोनों पहलू होते हैं। तज़िया में और क्या है, सबक में मौजूदा अनासिर का तज़िया कर सकेगा, ठीक है, यानी उसका एनालाइज कर सकेगा। तज़िया मतलब होता है किसी चीज़ को पार्ट पार्ट में बांटना, तोड़ना, ठीक है, उसी को तज़िया कहते हैं। सबक में मौजूदा अनासिर का
तज्जिया कर सकेगा, सबक में मौजूदा अनासिर का बाहिमी तौर पर ताल्लुक कायम कर सकेगा, नए उसूल कायम कर सकेगा, मवाद के हकायक में फ़र्क और मुवाजना कर सकेगा। ये सब किस में है? तज्जिया में। अब देखिए तज्जिया में इंग्लिश में कुछ समझ लीजिए, कनेक्ट यानी एक दूसरे को कनेक्ट कर सकेगा, जोड़ सकेगा, रिलेट रिलेट कर सकेगा, आखिर में क्या है, ये क्या है, डिवाइस। ये डिवाइस का मतलब ये होता है कोई नई चीज़ इख्तरा, यानी अलग अलग से पार्ट में तोड़ करके। जैसे आप देखेंगे एक जुमला होता है, ठीक है, आप उसमें समझ सकेगा कौन फेल है, कौन फाइल है, कौन मफूल है, ये एनालाइज में होता है, वही इख्तरा, उसके बाद नई चीज़ इख्तरा कर सकेगा। कोरिलेट, कोरिलेट करना एक दूसरे से ताल्लुक कायम करना। आगे है इसमें डिस्टिल, क्या है डिस्टिल, डिस्टिल मतलब होता है, डिस्टिल का लफ्जी माना देखेंगे क्या आप पाएंगे, बर्बाद करना। बर्बाद करना मतलब क्या, किसी चीज़ को पार्ट पार्ट में तोड़ करके उसको समझ सकेगा, यानी उसका रिसर्च कर सकेगा और कंक्लूड एक नतीजे को पहुंच सकेगा, किस में, एनालाइज में। और कैटेगराइज यानी सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकेगा, टेक अ पार्ट, उसको अलग अलग कर सकेगा, ठीक है। आगे चलिए, किसी मसले के लिए, अब देखिए सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या है, आखिरी नंबर पे आता है, ठीक है, 2001 में क्या है, सिंथेसिस ही को क्या कहते हैं, क्रिएट, आगे हम क्रिएट समझेंगे, ठीक है। किसी मसले के लिए मफरूज़ा तैयार करके उसको हल करते हैं, सिंथेसिस में चीज़ों को जोड़ते हैं, एनालाइज में चीज़ों को टुकड़ों में बांटते हैं, कोई नई राह है अमल अख्तियार करते हैं, किसी काम के करने के आम तरीक़ों से हटकर नए अंदाज और तख्लीक की तर्ज अमल के ज़रिए मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सिंथेसिस में होता है। सिंथेसिस में और क्या होता है, सबक में मौजूद मुख्तलिफ़ अनासिर की तरतीब के साथ मुनफरिद तौर पर तरसील कायम कर सकते हैं, सबक में मौजूद मुख्तलिफ अनासिर को मिलाकर नए मंसूबे कायम व तैयार कर सकते हैं, सबक में मौजूद मुख्तलिफ अनासिर के आपसी मादी और गैर मादी नज़रियात व जज्बात में ताल्लुक कायम कर सकते हैं, सबक में मौजूद मुख्तलिफ अनासिर के नज़रियात व तजर्बात के दलाइल पर मबनी उसूल भी कायम कर सकते हैं, किसमें, सिंथेसिस में। सिंथेसिस में चीज़ों को जोड़ते हैं, बस इतना दिमाग में रखिएगा, यानी तरकीब बनाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, डिज़ाइन करना, जाहिर सी बात है, एनालाइज में, एनालाइज में क्या, टुकड़ों में बांट दिया और उसमें क्या है, सिंथेसिस में क्या, डिज़ाइन करना, फिर उसको जोड़ते हैं, मॉडिफाई, थोड़ा सा चेंजिंग भी करते हैं, और रोल प्ले, उसका एक रोल प्ले यानी उसको करके भी दिखाते हैं, डेवलप यानी उसकी नशोनुमा भी करते हैं। आगे है री राइट यानी दोबारा उसको लिखते हैं, कोलेबोरेट, कोलेबोरेट मतलब साथ मिला करके काम कर सकते हैं, इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब होता है उलट देना, उलट करके भी देख लेते हैं, राइट यानी उसको फिर दोबारा लिखते हैं। आखिर में आता है तायजुने कदर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इवेलुएशन। इसमें क्या है, इसमें हम अंदाज़े कदर करके उमूर व अवामिल का जायज़ा लेते हैं, आखिर में इवेलुएशन करते हैं ना कि क्या नतीजा निकला, ठीक है। इसमें अवामिल की झलक तलबा के रवैये में मुसबत तब्दीली के ज़रिए नज़र आनी चाहिए, ठीक है। इवेलुएशन में क्या है, सबक को पेश करने का तरीक़ा और मराहिल वग़ैरह के दाखिली अमल की पैमाइश और अंदाज़े कदर व हतमी फ़ैसला ले सकेगा इवेलुएशन में, ठीक है। इवेलुएशन में आखिर में क्या होता है, रिज़ल्ट ही निकलता है, सबक के मुख्तलिफ मराहिल के खारिजी अमली अमल की पैमाइश, ठीक है, अंदाज़े कदर और हतमी फ़ैसला ले सकेगा, किसमें, इवेलुएशन में। इवेलुएशन में क्या होता है, क्रिटिसाइज, कहा जाए किसी चीज़ को इवेलुएट करें, जैसे किसी की कापी का भी इवेलुएशन होता है, इवेलुएशन करने के बाद एक नतीजा निकाला जाता है, ठीक है, जैसे क्रिटिसाइज करना यानी अच्छाई बुराई को बयान करते हैं। रीफ्रेम, दोबारा उसको फ्रेम में डालना, जज, आप एक मुहर लगा देते हैं ना, जैसे जज लगाता है, एक फैसला सुना देते हैं आखिर में कि क्या निकला, ठीक है। डिफेंड यानी उसको दिफा करते हैं। अप्रेज,
अप्रेस मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत यानी वैल्यू लगाना आखिर में, कि किस लायक है वो चीज़, ठीक है, किस में इवेल्युएशन की ये सब खासियत है। वैल्यू यानी उसके अकदार को आप बयान कर लेते हैं। आखिर में है प्रायोरिटाइज़, मतलब प्रायोरिटाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ की यानी अहमियत बयान करना, ठीक है, अहमियत बयान करते हैं। प्लान मंसूबा बनाना, ग्रेड देते हैं ना आखिर में, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, इस किस में इवेल्युएशन का पार्ट है। रीफ्रेम, दोबारा ढांचे में उसको ढालते हैं। दूसरा क्या है, अफेक्टिव डोमेन। दूसरा क्या है, अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम कहते हैं तासुराती मैदान या तासुराती इलाका। इधर भाग गया है इलाका, ठीक है, इसको किसने दिया है, इसमें आता है क्रेट्स वॉल और मासिया, ठीक है, मासिया के ना उर्दू में लिख के आएगा मासिया, ठीक है, मासिया, ठीक है, क्योंकि ये बाहर के सब हैं इसलिए इनका नाम ही ऐसे है। इन्होंने अफेक्टिव डोमेन क्या है, 1964 में इन्होंने अफेक्टिव डोमेन में कुछ चीज़ों को बयान किया है, ठीक है, क्रेट्सोल और मासालिया दोनों मिल करके। इसका किससे, इसका ताल्लुक किससे है, अफेक्टिव डोमेन मैं बताया था ना, अफेक्टिव डोमेन का मतलब ये हुआ कि आप क्लास में आए, आपका अफेक्टिव डोमेन डेवलप नहीं हुआ, आप लोग कहीं चार लोगों के साथ बैठे तो झगड़ा कर लिए, मार कर लिए, ये क्या है, तो कहा जाएगा आपका अफेक्टिव डोमेन डेवलप नहीं हुआ है, यानी आपके इमोशन पे जो है आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन जैसे आप मिसाल दी जाती है, आप दुश्मन के सामने खड़े हैं तो वहाँ मुस्कुराएंगे थोड़ी ना, उसके ऊपर भी गोली चलाएंगे, तो अगर आपका डोमेन मजबूत होगा, इसलिए ये जो जितने आर्मी हैं उनकी अलग ट्रेनिंग दी जाती है, उनका अफेक्टिव डोमेन भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक हार्ट, इमोशन यानी आपके जज्बे से है। आपका कहीं गम है तो वहाँ बैठ के हंस रहे हैं तो क्या है, आपका डोमेन जो है अफेक्टिव डोमेन डेवलप नहीं हुआ है। फीलिंग्स, आप कोई गमी का माहौल है तो गम करें, खुशी का माहौल है थोड़ा हंसें भी, इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। वैल्यूज़ यानी अकदार भी कर सकते हैं। मोटिवेशन यानी हौसला अफजाई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका रवैया, जैसे क्लास में कोई बच्चा आता है, पता चला टीचर आते ही खड़ा हो गया सलाम के, कहेंगे इसका एटीट्यूड अच्छा है, ठीक है। अब कोई है टीचर को देख करके ऐंठ के चला जाता है, अक्सर आप देखेंगे लड़के लड़कियों को बहुत कहते हैं, जैसे वो जब कमेंट मारते हैं फिर क्या कहेंगे, यार इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब क्या, रवैया, समझ गए। एटीट्यूड एक आता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का ताल्लुक किससे, अहलियत सलाहियत से है। एटीट्यूड एप्टीट्यूड में थोड़ा गलती मत कीजिएगा, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। अब इसमें क्या होगा, अफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग, हम चीज़ों को कबूल करते हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी, जैसे किसी ने हमसे कोई चीज़ कहा यानी किसी की कोई चीज़ मैंने देखी तो इसको हम रिसीव किए, रिसीव करने के बाद रद्द अमल यानी उस पर कोई रिस्पॉन्स हम देंगे। उसके बाद वैल्यूइंग यानी उसकी कदर, अगर वो चीज़ हमें अच्छी लगी तो उसकी हम कदर करते हैं। आखिर में क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन। कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जैसे हम देखते हैं कि क्लास में कोई बच्चा बिल्कुल पंक्चुअल है यानी डेली टाइम पे आता है, हम चाहते हैं कि अपने अंदर भी इस सलाहियत को डेवलप करें, ठीक है, तो उसका तसव्वुर अपने दिमाग में हम कायम करेंगे, ठीक है, यानी उस चीज़ का थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। फिर ऑर्गेनाइज, फिर हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी स्कूल के लिए निकलेंगे, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, फिर जब ये काम डेली डेली करने लगते हैं फिर वो चीज़ हमारे हैबिट में, आदत में रच बस जाती है, उसको कैरेक्टराइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। किरदार साजी, ठीक है, ये आखिर में हो जाता है। अब हर एक को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी अफेक्टिव डोमेन में क्या है, एक तालिब इल्म मुतालिका मालूम से आगाह होता है या हासिल करता है, मुस्बत जज्बे के साथ रद्द अमल जाहिर करता है, इसमें कदर करता है, उसका तसव्वुर कायम करता है, बताया नहीं, यानी कंसेप्चुअलाइजेशन जो मैं बताया था। अकदार की मरबूत तंजीम कारी, तंजीम कारी बाद में उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज का मतलब सिस्टम से किसी चीज़ को रखना, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और
अपनी ज़िंदगी की किरदार साजी, आखिर में किरदार साजी यानी करेक्टराइज, उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल लेगा यानी रस, बस वो चीज़ उसके ज़िंदगी में रच बस जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। अब रिसीविंग में क्या हो, किसी चीज़ को कबूल करना, समाअत करना, तरजीह देना या चुनना, तवज्जो मरकूज करना, हासिल करना। रिसीविंग में और क्या है, पूछना, इंतखाब करना, तशरीह करना, जानने के बाद रद्द अमल करना, देना, पकड़ना, पहचानना, निशानदेही करना, मौसूम करना, बताना, ठीक है, बिठाना, जवाब देना, इस्तेमाल करना, ये सब किस में है, रिसीविंग। ये अफेक्टिव डोमेन के पार्ट है। रिस्पोंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का जवाब देना, अल्फाज कहना, मुजस्मा बनाना, तहरीर करना। ठीक है, अब रिस्पोंडिंग में क्या क्या है, कमरे जमात के अंदर तलबा का ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछना। ठीक है, क्योंकि हम उर्दू मेथडोलॉजी देख रहे हैं ना, कमरे जमात, जैसे कि टीचर ने कोई चीज़ पूछा तो जाहिर पहले रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद जब वो चीज़ समझ में आएगी, कोई डाउट है तो उसके मुतालिक सवाल भी पूछेगा। अच्छे अदब का मुताला करना, तहरीर व तकरीर के मुकाबलों में पेश पेश रहकर हिस्सा लेना। ठीक है, खूबसूरत और वाज़े अल्फाज का इस्तेमाल करना, अच्छे किस्से, कहानियों और अशआर में दिलचस्पी लेना, ये सब रिस्पोंडिंग की चीज़ें हैं। आगे है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग क्या होता है, देखिए, मुतासिर करना, शामिल करना, इशारा करना, तय करना, शामिल करना, कबूल करना। वैल्यूइंग वही किसी चीज़ का की कदर करना। ठीक है, अकदार से लिया गया है। कंसेप्चुअलाइजेशन में फ़र्क बताना, ठीक है, राबता कायम करना, मुजाहरा करना, मुआजना, एक दूसरे से तकाबुल करना। कंसेप्चुअलाइजेशन में अल्फाज, जुमला, तस्कीर व तानीस की शनाख्त करना, ठीक है, दुरुस्त इमला करना, हिज्जे की पहचान करना। अब ऑर्गेनाइजेशन यानी सिस्टम से कोई चीज़ जब आप रखते हैं, कैसे ना इसको ऑर्गेनाइज करो यार, वही मुनज्जम करना, रिश्ता की तौज़ीह करना, चुनना, मुआयन करना, अंदाज़ा कायम करना, मंसूबा बंदी यानी प्लानिंग करना। करेक्टराइजेशन जिसको किरदार साजी आपने देखा, दोबारा गौर करना, बदलना, हासिल करना, मुजाहरा करना, पहचान लेना, फलाह करना। ठीक है, अब तीसरा डोमेन आपका क्या है, साइकोमोटर डोमेन है। क्या है, साइकोमोटर डोमेन। इसको एक नाम और इसके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, कोनेटिव डोमेन। देखिए दो लफ्ज़ से बना है, साइकोमोटर, ठीक है, इसमें क्या है, एक हिस्सी हवासे हमसे ज़ाहिरा कितने हैं, पांच हैं, जैसे हम आँखों से देखते हैं, नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं, मुंह से क्या करते हैं, बोलते हैं, हाथ से क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है, ज़ुबान से क्या करते हैं, चखते हैं, कान से क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, ये सब हिस्सी। तो इसका ताल्लुक हिस्से भी है, दूसरा मोटर। मोटर में क्या है, इसमें एक फाइन मोटर, एक ग्रास मोटर, दो चीज़ हैं, इसको डिटेल से हम लोग देखते हैं। पहली चीज़ पूछी जा सकती है कि इसको किन लोगों ने इस पर काम किया है, इसकी दर्जाबंदी किन्होंने किया। देखिए, एक है सिम्पसन 1972 में, और दूसरा नाम आता है हौरो। सिम्पसन और हौरो दोनों किससे जुड़े हैं, साइकोमोटर डोमेन से। आगे चलिए, मोटर में क्या है, एक फाइन मोटर एक्टिविटीज़, फाइन मोटर जिसमें आपकी हल्की मसल काम करती है, जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं तो हल्की मसल काम करेगी, पेंटिंग कोई चीज़ डिज़ाइन बनाएंगे तो हल्की मसल, ड्राइंग कोई चित्र बनाएंगे, कोई नक्शा बनाएंगे तो वहाँ भी, जैसे आप हैं, आप जैसे बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में, तो जब बॉल फेंकते हैं तो हाथ में लेकर के जो स्विंग करते हैं, घुमाते हैं, वो क्या है, फाइन मोटर स्किल। और जो दौड़ करके फेंकते हैं तो उसमें पैर की मोटर स्किल यानी ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें जो दौड़ने में लगे यानी बड़ी वाली मसल, वो क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल। इस तरह से आप समझिएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। जिसमें छोटी मसल लगती है वो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। हमें बच्चे की दोनों डेवलप करना है, बच्चा अच्छे से पढ़ सके, पेंटिंग कर सके, ड्राइंग कर सके, दूसरे खेल कूद भी अच्छे से उसमें भी हिस्सा ले सके। ठीक है, अब इसमें हिस्से में क्या है,
सेंसरी, सेंसरी आप समझ रहे हैं जिसका ताल्लुक हिस्से होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी जिस्मानी तौर पर भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सके, हैंड यानी हाथ से अच्छी अच्छी चीज़ें बना सके। आगे क्या है, कोनेटिव यानी इदराकी मैदा, इसको मैं बताया था ना साइकोमोटर को कोनेटिव भी कहते हैं। डूइंग एस्पेक्ट इसको कहते हैं, डूइंग एस्पेक्ट यानी इसमें चीज़ों को किया जाता है। आगे क्या है, एक्टिव डोमेन, इसमें आदमी एक्टिव रहता है यानी मुतहर्रिक रहता है। आगे चलिए, इसमें क्या होता है, इन्होंने जो सबसे पहला नाम जो मैंने लिया था, क्या नाम लिया था, सिम्पसन, उन्होंने इतना सारा ज़ुमरा बंदी की थी, कितना, पहले उन्होंने बताया इमिटेशन यानी नकल करना, दूसरा मैनिपुलेशन सलीके के साथ यानी थोड़ा सा अलग करके उसको अलग नई चीज़ मैनिपुलेट करना, ठीक है, यानी पहले हालत में जो थी उससे बदल देना, है ना। प्रेसिजन यानी दुरुस्तगी, उसको दुरुस्त करना, और आर्टिकुलेशन यानी तरतील, आर्टिकुलेशन मतलब किसी चीज़ को अलग अलग करके तरतील कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। चलिए, कोऑर्डिनेशन, हम आहंगी पैदा कर देना, हैबिट फॉर्मेशन यानी फितरी किरदार साजी, और नेचुरलाइजेशन यानी आदत की तश्कील करना, ठीक है। आगे चलिए, देखिए बहुत लेट हो गया लेकिन लाइट नहीं आई, लेकिन पूरी आपको वीडियो देखना है क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चल रही है, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है आप पूरा पूरी बुक पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक वीडियो देख करके आपका पूरा कंसेप्ट उर्दू मेथडोलॉजी का, इंग्लिश मेथडोलॉजी का, इसी के साथ CDP का, और SST में जो आपकी मेथडोलॉजी या पेडागोजी पूछी जाती है उसमें भी आपका दाखिल है, ठीक है। देखिए हम इंग्लिश और हिंदी और उर्दू दोनों मीडियम में समझ रहे हैं। इमिटेशन जिसको नकल करना है, नकल और बार बार दोहराने की मश्क कराई जाए, ठीक है, हमें बच्चे को बार बार चीज़ों की नकल कराई जाए तब वो बच्चे की स्किल डेवलप होगी। रिवायती अकदार सिखाना यानी अच्छे लोगों की जो उनके कदर अकदार हैं, जो उनके उसूल हैं, तरीक़े हैं, उसको हम सिखाएंगे बच्चों में। रिवायती आदात व अतवार की मालूमात, दर्जाबंदी और गिरोह बंदी की मालूमात, आफाकी निज़ाम व उसूल की मालूमात, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें हैं। आगे हैं मैनिपुलेशन, ठीक है, जो मैनिपुलेट करना है थोड़ा सा बदल देना उसमें, चीज़ों के आपसी ताल्लुकात को जोड़ तोड़ कर समझते हैं इसमें, ठीक है। ज़हनी तबई और जज्बाती आमादगी शामिल हैं इसमें, मैनिपुलेट में किसी नज़रिए मालूमात को सीखने के बाद उसकी तर्जमानी करते हैं, सही सिमत में गामजन होते हैं यानी उस तरफ चलते हैं। प्रेसिजन जो दुरुस्तगी, इसमें क्या है, तालिब इल्म दुरुस्तगी हासिल करता है और यही उसका मकसद होता है, ठीक है, यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। कोऑर्डिनेशन जो हम आहंगी है, जिसमें बदलाव दरकार है इसमें हम आहंग पैदा करना, ठीक है। आगे है हैबिट फॉर्मेशन और नेचुरलाइजेशन में क्या है, वकूफ़ी इलाका है, वकूफ़ी इलाका से वो इल्म हासिल करेगा, ठीक है, जज्बाती इलाका से वो उसमें तजस्सुस और दिलचस्पी कायम करेगा, हिस्सी और हरकी इलाका से उसको सही तरह से तकमील करेगा, ठीक है। अब दूसरा कौन है, दूसरा है हार्लो, हार्लो ने भी इसकी दर्जाबंदी की है, ठीक है, इससे पहले सिम्पसन ने किया था जो मैंने इमिटेशन करके पूरा बताया था, फिर हार्लो, ये आपने कहीं पढ़ा भी होगा। देखिए इन्होंने पहले क्या कहा है कि रिफ्लेक्स मोमेंट, बेसिक फंडामेंटल मोमेंट, परसेप्चुअल मोमेंट, फिज़िकल एक्टिविटीज़, स्किल्ड मोमेंट और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, सबको अलग अलग से देख लेते हैं। ये किसने दिया है याद रखिएगा, हार्लो में, पहला वाला किसने दिया था, सिम्पसन ने, ठीक है, ये दो चीज़ आप जहन में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पहला क्या है, रिफ्लेक्स मोमेंट, आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है आप वो क्या है ऑटोमेटिक, जब रोता है तो हाथ पैर दोनों पटकता है, ठीक है, और इधर उधर आँखें भी, उस पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, यानी ये जो सेंसरी मोटर स्टेज नहीं है, जीन पियाजे ने जो पहली स्टेज दी है 0 से 2 साल तक, वही कहा है, वही चीज़ें हैं, रिफ्लेक्स मोमेंट है, रिफ्लेक्स करेगा,
ठीक है, 6 महीने के बाद गाल पे हाथ करेंगे, टच करेंगे तो क्या करेगा, थोड़ा सा मुस्कुराएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्स करता रहता है, किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहता। दूसरा बेसिक मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट थोड़ा बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो चलने लगता है दौड़, 1 साल के बाद तो खड़ा होकर चलने लगता है, उसको कहते हैं वॉक, यानी सही से चलने लगे उसी को बेसिक मूवमेंट कहते हैं। आगे है परसेप्चुअल एबिलिटी, क्या है परसेप्चुअल एबिलिटी, यानी परसीव करना, यानी इसमें क्या है चीज़ों को हवास से, जो हवा से खम से ज़ाहिर जो मैंने बताया है ना, यानी देखना, सुनना, चखना, सूंघना, ये सब चीज़ें, या हाथ से टच करना, हवास से चीज़ों को महसूस करने लगता है, ठीक है। परसीव करना यानी हवास से चीज़ों को महसूस करना। फिजिकल एक्टिविटीज़, बाद में थोड़ा सा और बड़ा होता है दौड़ने लगता है, 2 साल का बच्चा दौड़ना भी शुरू कर देता है, ठीक है। और जंपिंग, स्किल्ड मोमेंट, फिर कूदने लगता है, उछलने लगता है, यानी उसके अंदर कोई एक महारत आ जाती है, ठीक है। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, आप समझते होंगे कम्युनिकेशन, तरसील, इबलाग, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और यह है क्या डिस्कर्सिव का मतलब होता है कि नॉन डिस्कर्सिव, देखिए डिस्कर्सिव मतलब होता है कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी बदलना, और नॉन डिस्कर्सिव मतलब कोई भी चीज़ जो बदली ना जाए। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन यानी इसमें क्या है बॉडी लैंग्वेज, बच्चा जो है कोई भी चीज़ इशारा, उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो उसके चेहरे से, जैसे किसी को चुप करना तो ऐसे चुप कर सकते हैं, भागना भगाने के लिए ऐसे ऐसे करके भगा भी सकते हैं, तो वो सब करें जेस्चर, यानी वो इशारा करने लगेगा, ये आखिर में होता है, ठीक है। इसको किसने दिया है, हार्लो ने दिया है। तो हमने आज की क्लास में ब्लूम्स की टेक्सनोमी, उसके तीनों डोमेन डिटेल से ट्रिक के साथ और हर एक पहलू को मैंने डिस्कस किया है। अगर वीडियो पूरी आपने देख ली है तो इंशाल्लाह अब आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे कोई भी सवालात अगर पूछे जाते हैं उनके जवाब सही देंगे। जाते जाते फीडबैक ज़रूर देकर जाइए, वीडियो अच्छी लगे कि नहीं, देखिए लाइट ने भी साथ नहीं दिया लेकिन मैं आपके साथ बना रहा, और आप लोग भी बने रहे ये भी बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं, क्योंकि आवाज़ तो पूरी आ रही थी, मेरी तस्वीर भी दिख रही थी, साउंड भी दिख रहा था। तो आप कमेंट यानी फीडबैक दीजिए कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इसी के साथ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दूसरी वीडियो जैसे अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि मेथोडोलॉजी पे और कौन किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, वैसे टीम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ये सब भी आपका यानी पढ़ाने के जो तरीके हैं उसमें से मैं सोच रहा था उसको भी आपको समझा दूं, क्योंकि माइक्रो टीचिंग बहुत अहम है, ठीक है। अगर आप लोगों की राय होगी तो अगली वीडियो इंशाल्लाह उस पर मैं कल आपको पेश कर दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम गालिबन हो सकता है 24 को हो जाए, ठीक है, सेकंड पेपर, और फर्स्ट पेपर वाला जो उर्दू मीडियम वालों का हो सकता है 1 जून को होगा, तो उनको अभी टाइम है, आप लोगों को टाइम कम है, तो आप लगे रहिए और बाकी चीज़ों की तैयारी भी करते रहिए, इंशाल्लाह टी स्टेट आपका निकल जाएगा। तो बस अगली क्लास में फिर मिलते हैं, सलामुअलैकुम।